विस्तार से जानेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, एक तरफ जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह की तरफ से पंडित प्रदीप मिश्रा पर किए गए टिप्पणी पर जवाब दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दमोह घटना पर कमलनाथ के द्वारा सवाल उठाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुने। उम्र हावी हो रही है और तीर निशाने पे लगा है। बहनों का जो पैसा गया खाते में और बहनों का जो उत्साह आया मामा के प्रति, शिवराज सिंह जी के प्रति, आप वो खिसियाट से समझ सकते हैं कि क्या खिसियाट थी। वो तो गनीमत है हेलीकॉप्टर की, कहा वो मिराज और जेट भी बोल सकते थे। ये हावी होने का है उम्र के, और खिसियाट बता रही है कि महिलाओं में जो उमंग और उत्साह आई आधी आबादी में, उससे कांग्रेस बैठ गई। पहले जनसंसद यात्रा प्रारंभ की थी, उसका क्या हश्र हुआ? फिर तिरंगा सम्मान यात्रा प्रारंभ की थी, उसका क्या हश्र हुआ? जून 22 में भी इनने, कमलनाथ ने एक अभियान शुरू किया था, उसका क्या हुआ? जितनी यात्राएं निकलेंगी सब ये फुस लड़ी हैं, टाएं टाएं फिस्सी होने वाली हैं। आप स्वयं भी देख लेना आज के बाद अगर कहीं चर्चा हो। कितनी मासूमियत से दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है, और क्या डेफिनेशन दी है आप देखें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कभी ये परिभाषा आपने ISI को समझाई, अलकायदा को समझाई, PFI को समझाई, सिमी को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान करने की, सनातन धर्म पे हमला करने की। कल भोपाल में माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया, आपको ये अखर गई, और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आदरणीय प्रियंका जी से, जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं, कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते? ये जब चर्चाएं करेंगे, दरअसल कांग्रेस के पास में प्रत्याशी कई सीटों पे है ही नहीं। पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह से समझौता कर करके सीटें दी थी कि आप अपने कैंडिडेट हमें दे दो, हम कांग्रेस के नाम से घोषणा कर देते हैं। और इसलिए पिछली बार आपने देखा था कि किस तरह से पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। अभी भी प्रत्याशी नहीं है तो ये स्थिति बन रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। नीतीश गुरुवार को जब मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी उनकी सुरक्षा घेरा तोड़कर उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। एक बाइक सवार उनका सुरक्षा घेरा तोड़कर उसमें घुस गया। इसके बाद नीतीश की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार गुरुवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री आवास से 7 सर्कुलर की ओर जा रहे थे। उन्हें सड़क से फुटपाथ की ओर जाना था, तभी एक बाइक सवार उनके पास पहुंच गया। हालांकि नीतीश की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद SSG कमांडेंट और पटना SSP को CM आवास बुलाया गया है। क्या बनाने का? माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर सकते हैं अपने राज्य में। दुर्भाग्य है आपका कि अब आप जो है लहरिया कट बाइकर से बचने के लिए आपको कूदना पड़ता है, और आपके प्रशासन वहीं खड़े रहते हैं। ये आपका रोज का रूटीन है, उसमें भी आपको सुरक्षा घेरा में नहीं ले सकता है लोग। आप अपराधियों के सरकार को चला रहे हैं, आप भी डर रहे हैं अब अपराधियों से, आप भयभीत होकर के भाग रहे हैं। आप जो है अभी से भी जगिए, अपने दिमाग पर जोर दीजिए, और आप जो है पुलिस को और अपराध को कंट्रोल कीजिए, और आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए बिहार में, नहीं तो पूरा बिहार
जंगल राज में आप झोंक दिए हैं अपराधी और माफियाओं के और घोटालेबाजों के संरक्षण में आप चले गए हैं और आप आज घोटालेबाज माफियाओं के मुख्यमंत्री बने हुए। गाजियाबाद के लूनी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने जिलाधिकारी और सीएमओ से स्वास्थ्य केंद्र की खामियों की शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीएमओ गाजियाबाद भवतोष शंखधर ने लूनी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं डॉक्टर मथुरिया को नया प्रभारी बनाया गया है। आपको बताते चले कि गाजियाबाद के लोनी में हंगामेदार सदन के बाद सभासद जगत सिंह पहुंचे। अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा भी दलबल के साथ पहुंची। लगभग दो घंटे तक डॉक्टर सुविधा न मिलने पर जिलाधिकारी और गाजियाबाद सीएमओ को फोन किया गया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। दिल्ली में बुधवार को बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि 24 जून को जेपी नड्डा बिहार आएंगे, झंझारपुर में रैली करेंगे। वहीं 29 जून को अमित शाह भी बिहार पहुंचेंगे, वे मुंगेर और लखीसराय में रैली करेंगे। और हम लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं कि 2014 के भारत और 2014 के बाद के भारत, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में अभियान चल रहा है, बिहार में भी इस अभियान को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। दो महत्वपूर्ण बड़े नेता हमारे बिहार जा रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी 24 तारीख को झंझारपुर में सभा करेंगे और 29 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार की यात्रा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहा किसानों का आंदोलन अब थम गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार रात 9 बजे करीब ऐलान किया कि हम अपना विरोध समाप्त कर रहे हैं, बंद रास्ते खोल दिए जाएंगे। हम इसलिए विरोध कर रहे थे कि हमारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। उन्होंने आगे कहा कि हम देश भर में एमएसपी के लिए लड़ते रहेंगे। और हाँ, देखो फैसला ये लिया है हमारा, यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो, हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम आज खुल जाएगा, वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, एक दो दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे, किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी में नगर परिषद की मनमानी से आम जनता और व्यापारियों में आक्रोश है, जिसको लेकर स्थानीय लोग आंदोलन कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में नगर परिषद के द्वारा कार्तिकेय उद्यान के सामने पक्की दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस निर्माण से कार्तिकेय उद्यान का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। सर बाजार ही हट जाएगा तो फिर क्या आई के साधन ही हट जाएंगे? तो यहाँ पर बाजार था तो लोगों को सुविधा थी और आपको भी सुविधा थी। बहुत सुविधा थी। यहाँ जब मार्केट था ना तो बहुत सुविधा थी, लोगों को आने जाने में क्या सुगमता होती थी।
लेकिन अब बहुत दूर पड़ रहा है, वहाँ क्या है आवास से भी लोग आते हैं तो उनको बहुत दूर दूर तक मतलब उनको मतलब जाना पड़ रहा है। देखिए नगर परिषद बुधनी में जैसा कि आप देख रहे हैं, परिषद बुधनी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं, चाहे रोड का कार्य हो या सौंदर्यीकरण का हो, और उसी क्रम में एक ये दुकानों के निर्माण का भी कार्य हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है। बेसिकली नगर परिषद क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आए, नगर परिषद की आय बढ़े, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि कार्तिकीय उद्यान की के सामने दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेआउट जो हमने दिया है इसमें उद्यान में आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके सौंदर्यीकरण में किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न ना हो, और उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसको और बेहतर करने के हम प्रयास कर रहे हैं। पर इसके साथ ही जो हाट बाज़ार का क्षेत्र है उसमें नई दुकानें बने, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, उससे नगर परिषद की भी आय बढ़ेगी और नगर की आर्थिक गतिविधियों में इससे तेज़ी आएगी। इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए ही दुकानों का निर्माण इसमें कराया जाएगा। भोपाल में बेरोजगारी से जूझ रहे लोग अब पैसा कमाने के लिए किन्नर की तरह तैयार होकर लोगों से बधाई मांग रहे। बता दें कि हाल ही में बैरसिया में ये देखने को मिला है, जहां पर तीन युवक महिलाओं के कपड़ों में किन्नर की वेशभूषा में बधाई के नाम पर लोगों पर पैसे मांग रहे हैं। इस बात की भनक जब किन्नरों को लगी, जिस पर असली किन्नर वहां मौके पर पहुंचे और असली किन्नरों के दल को देखकर नकली किन्नर बने युवक वहां से भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों की मदद से घेराबंदी कर उन किन्नरों को जो कि नकली बने हुए थे उन्हें पकड़ लिया गया। हालांकि एक भागने में कामयाब हो गया। किन्नरों का आरोप है कि ऐसे फर्जी लोगों की हरकत से हमारा किन्नर समाज बदनाम होता है और लोग किन्नरों से दूरी बना लेते हैं। डिंडोरी जिले के सबसे बड़े जलाशय बेलगांव बांध से मछली मारने को लेकर समिति के बीच विवाद हो गया। लगभग 400 सदस्यों वाली सहकारी समिति दो फड़ में बट गई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के चलते दोनों पक्षों के द्वारा कलेक्टर सहित विभागीय अधिकारियों से शिकायत कर जांच की मांग की जा रही है। इससे आ रही है कि जो हमारे स्थानीय मछुआरे जो हैं, जो वे समिति के सदस्य भी हैं और इनकी जब ये बाहर के लोग आकर के वहाँ पर मच्छी पकड़ेंगे, ये मंडला की पार्टी आई हुई है यहाँ पर, तो बाहर की जब मछुआरे यहाँ पर मच्छी पकड़ेंगे तो ये बेचारे जो कोई गरीब लोग हैं मछली पकड़ने वाले, तो ये क्या करेंगे? रोजगार की समस्या बन रही है। अब इनका कहना यह है, जो ठेकेदार जो आया है इनका कहना है कि हमको अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने बुलवाया है। अच्छा, कलेक्टर और हमारे जो मछुआरे हैं, वास्तव में जो मछुआरे हैं उनकी सहमति से नहीं हो रहा। अगर मछुआरों की सहमति से होता तो ये लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते आज। अच्छा, इसको लेकर कहीं शिकायत की है आपने? हाँ, कल हमने 100 पे कॉल किया था और 181 भी में हमने शिकायत किया है, पर अभी इसका कोई वो नहीं आया। 100 क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है सर, जो हमारी मछुआ सहकारी समिति बेलगांव है, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष पलकी कटहरा वाले मछुआरों को मना करते हैं मछमारी मछली, है ना, और बाहरी मछुआरों को लाकर मछली मराया जा रहा है और कहते हैं कि तुम मछली मारोगे तो जो रेट हम कहेंगे अलग, अध्यक्ष अलग रेट बताता है, उपाध्यक्ष अलग करता है, गांव वाले अलग बोलते हैं, मछली भी मांग के खाएंगे, पैसा भी लेंगे, परेशान करते हैं सर। अच्छा, क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार बरमैया। जो मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्यादित बिलगांव, हाँ, में जो मंडला से आए हैं, अभी जानकारी मिला और साथ में हमने उनको पकड़ा गया, हाँ, और तो इसको किसने बुलवाया है इनको? ये लोगों को समिति से निर्णय नहीं लिया, ना प्रस्ताव बना गया है, हाँ, इसमें ये लोग चोरी से आकर अभी मछली मार रहे हैं। नहीं तो इनको कोई किसी ने बुलवाया होगा इनको? मैं समिति का उपाध्यक्ष हूँ, हाँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, और ना समिति हमारे जो बिलगांव ढोंढा करौंदी बिलगड़ा और कठेरा के सदस्यों को कोई जानकारी नहीं है। जो मत्स्य पालन
राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में स्थित बड़वाली मस्जिद के पास रहने वाली एक लड़की के घर मिलने पहुंचे युवक की गला काटने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में कुछ और ही दलील दे रही। पुलिस का कहना है कि युवक ने खुद अपने गले को रेत लिया है। इधर मृतक के परिजनों ने एक निजी टाकीज के पास शव रखकर चक्का जाम कर दिया और अपना रोष व्यक्त किया है। हालांकि परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरा बेटा है आमिर, उसकी माँ शाहीन, मेरे बेटे का नाम है आमिर। मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की, उसको घर में ले जाके उसको मारा गया है। आत्महत्या कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो कभी ये सोचता ही नहीं था, ना कभी ऐसे कोई गलत चालों में था मेरा बेटा। जी जी हाँ, बताया था कि लगा अम्मा आपको दो एक दिन में रिश्ते के लिए जाना है, कह लगे हम इंतज़ार कर रहे थे हमने कि ये रिश्ते के लिए बुला रहे थे। उन्होंने दो कैसे इसको फूल लगा के अपने घर बुलाया, गेट लगा के मेरे बच्चे को बहुत बुरा मारा। भाई वो कार्रवाई पुलिस की जो है सही नहीं कर रहे थे, तो मतलब ये कहना कि कल भी रात को पकड़ा उनको, छोड़ दिया था, फिर अभी भी बुला के मतलब कहना कि आप बाहर बैठाए हुए, भाई लड़का की जान चली गई, लेकिन उसको लॉकअप में आपने कोई केस धारा ही नहीं लगाई कि क्या है क्या नहीं है, क्या मामला है। और मोबाइल के अंदर लड़के के लड़की के चैट हैं पूरे, उसके मोबाइल के बातें, लड़की ने 5:28 पर लड़के को वहाँ उनके घर पर बुलाया। लड़के ने आत्महत्या करी है या उसकी हत्या करी? हत्या करी गई है उसकी। एक भाई आदमी मतलब खुदकशी करेगा तो एक हाथ मारेगा, उसके 3 हाथ पड़े हैं और उल्टे हाथ पड़े हुए हैं, जो कि अपन सीधा राइट हैंड था, वो राइट हैंड वाला कैसे कैसे मारेगा, यूँ मारेगा, यूँ थोड़ी मारेगा। अगर नाखून के निशान है उसके, एक हाथ यहाँ पेट पे पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है हाथ पे पड़ा है। कल शाम को करीब 6:45 डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी कि बड़वाली मस्जिद के पास किसी व्यक्ति ने किसी को गले पे छुरी मार दी है, घायल है। इस पर पुलिस टीम रवाना हुई, जो बड़वाली मस्जिद के पास नासिर मकान नंबर 24 के घर पहुंची, जहां ज्ञात हुआ कि आमिर नाम का लड़का घायल है, जिसे अस्पताल के लिए चरक इलाज के लिए चरक अस्पताल लेकर गए। वहां से डॉक्टर ने उसे हमीदिया के लिए रेफर कर दिया। एक टीम हमीदिया रवाना की गई और मौके पर पूछताछ की गई तो नासिर और उसके परिवार वालों ने बताया कि आमिर नाम का लड़का मेरे घर आया था छुरी लेकर और मेरी बच्ची को मारने का प्रयास किया, और नासिर की पत्नी ने बीच बचाव किया तो छुरी उसके दोनों हाथों में भी पड़ी। उसके बाद आनम ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। उसी कमरे के बाहर मृतक ने अपने गले और सीने पे छुरी मार ली थी। कल शाम को एमपी के सीहोर में तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला है। दरअसल डंपर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं ड्राइवर गाड़ी की चाबी निकाल कर तुरंत भाग निकला। बता दें कि पूरा मामला सीहोर जिले के इछावर में केनरा बैंक के सामने का है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। खंडवा जिले के गांव सालई ढाणा में अज्ञात हत्यारों ने खेत में टापरी के बाहर सो रहे पति पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। दोनों रात में खाना खाकर गांव में स्थित घर से खेत में सोने आए थे। सुबह बेटे ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया। वहीं इस डबल मर्डर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पिपलौत थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी जाँच शुरू कर दी है। तो थाना क्षेत्र में आज बीती रात एक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें पति पत्नी की लाश जो है उनके गांव से दूर जो उनका एक खेत है, वो खेत के में बाहर पाई गई थी, और जो उनके गले पे धारदार हथियार से पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से एक कुछ चोटें हैं, जो प्राथमिक तौर पे जो हमारी FSL टीम ने उसको एग्जामिनेशन किया है, और अभी मैं वो घटनास्थल से ही जो आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और हमको एक लीड मिली है, उस लीड पर हम काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी ही उस घटनाक्रम का खुलासा। कुछ कारण सामने आ रहे हैं? व्यक्तिगत कारणों की ही बात अभी तक सामने आई है, परिवार परिजनों से जो चर्चा हुई और किसी तरह के कोई विवाद की स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ पारिवारिक
गाजियाबाद के लूनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए लूनी थाने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने केजरीवाल के द्वारा सनातन धर्म विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। कंपनी से जो इनके तार जुड़े हुए इनके विधायकों के जो लेकर आ रहे हैं, इन्होंने उनसे फंडिंग लेकर के बालासोर की घटना कराई है और मूर्तियां तोड़वाने का काम किया है। इसको जांच में शामिल किया जाए और जांच में शामिल करने तक, क्योंकि अगर ये इन्होंने दिया है मानसिक दिवालियापन से, तो भी मुख्यमंत्री के रहने लायक नहीं है। और अगर इन्होंने बाबा भोलेनाथ को जिम्मेवार ठहराया है, केवल हिंदू सनातन धर्म तो मानता ही है, हमारे सिख धर्म के लोग और बहुत से जो अन्य मत और मजहब हैं वो भी भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, तो दुनिया के अंदर इस बात का गुस्सा है कि भगवान भोलेनाथ जो दुनिया का कल्याण करते हैं, वो हत्याएं कैसे कर सकते हैं, ट्रेन की दुर्घटना कैसे करा सकते हैं, कैसे सप्तऋषियों की मूर्ति तोड़ सकते हैं जो सप्तऋषि उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही है, दोनों ही बात में वो मुख्यमंत्री के रहने लायक नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ बीजेपी सत्ता में हैट्रिक करने का दावा कर रही, तो वहीं विपक्षी दल एक बार फिर से महागठबंधन की कवायद में जुटे हैं। इसको लेकर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। इस सबके बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने तय समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना जताई है। आप भी सुने, गरीब गुरबा तबके का, और उसको देख लीजिए कि 100 वाली भी आबादी है, उस सब को कवर कर दीजिए ताकि ठीक ढंग से लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सब काम तो कर रहे हैं, तभी तो आप बता दिए हैं कि 2014 के जनवरी तक हो जाएगा भाई, 24 के जनवरी तक। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है, समझ गए ना? कहे कि कौन चीज है, कब चुनौगा होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि अगर पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सब चीज में जरा तेजी से काम कर दीजिए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन हमको कहता था जो बेचारा गांव का इंजीनियर जो भी था एरिया में, जो अच्छा काम करता था तो गांव का लोग उसकी तारीफ करता था। आपका जब काम होगा तो सब तारीफ करेगा, सब बहुत इज्जत मिलेगी आप लोगों को। तो इसलिए कम्मा करवाइए, खाली इंजीनियर बनिएगा, अटेंडर करते हैं और सब बनाता है, तरी इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं तो काम तो करना आपको ना जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते